हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे आई कम विद एन इंटरेस्टिंग पोएम विच नेम इज़ द क्वालिटी ऑफ मर्सी। आज हम एक पोएम रीड करने वाले हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। मर्सी होती है दया। क्वालिटीज़ की मर्सी में क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये पोएम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने अपना प्ले लिखा था मर्चेंट ऑफ द वेनिस, उससे ये पोइम ली गई है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट इज ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस ऑफ नीड। मीन्स जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, दया की जो क्वालिटी है, उसको बाय फोर्स हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ये तो अपने आप ही जनरेट होती है। और ये कैसे जनरेट होती है, स्लोली स्लोली, जैसे हेवन से रेन होती है, स्वर्ग से रेन होती है, अपॉन द प्लेस ऑफ बीनीथ मीन नीचे, कहाँ गिरती है, नीचे गिरती है। ऐसे ही ये ह्यूमन हार्ट में अपने आप जनरेट होती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड मीन्स ये दो तरीकों से क्या करती है, दुगनी खुशी देती है। मीन्स ट्वाइस ब्लेस्ड है, मीन्स ये दुगने रूप से खुशी देने वाली होती है, हैप्पी देने वाली होती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम टेक्स That takes, ये उसे भी happiness देती है, जो इसको दिखाता है, जो इसको show करता है, जो देता है, और ये उसको भी happiness देती है, जो इसको ले रहा होता है, ठीक है, जो mercy gain कर रहा होता है, उसको भी happiness देती है। Tis mightiest in the mightiest, it becomes the throne monarch better than his crown. Mightiest होता है powerful, means ये powerful से भी powerful है। यहाँ पे राजा की बात की गई है, जैसे throne होता है, throned सिंहासन, monarch king, राजा crown होता है उसका ताज, कि ये राजा से, राजा के पास क्या होती है, social powers होती है, ये राजा से ज़्यादा powerful है और उसके crown से better है, जो उसका ताज है उससे भी बेटर क्या है, मर्सी है। His specter shows the force of temporal powers. जो स्केप्टर होती है, उसकी रोब होती है, स्पेक्टर का मीनिंग होता है रोब, जिससे राजा दंड सुनाते हैं, पनिश करते हैं। Shows force temporal power. वो क्या क्या शो करता है स्केप्टर, सोशल पावर शो करता है। यस, स्पेक्टर क्या शो करती है, टेम्पोरल पावर, सोशल पावर, क्योंकि जो राजा है, किंग है, उसके पास क्या होती है, सोशल पावर्स होती है, और स्केप्टर उसी सोशल पावर्स को शो करता है। क्राउन और स्केप्टर, ये दो चीज़ें हैं, इसे क्या शो होता है कि वो राजा है, उसके पास सोशल पावर्स हैं, और स्केप्टर का क्या गुण होता है, द एट्रीब्यूट्स टू ओ एंड मेजेस्टी। एट्रीब्यूट्स होता है गुण, ओ होता है दुख, तकलीफ, डर। ये स्केप्टर तो डर है, किसका, राजसी सत्ता का, और डर का। जो स्केप्टर होती है, राजा की जो रोब होती है, उसको देख के क्या लगता है, राजा की रोब देख के क्या लगता है, डर लगता है कि राजा दंड देने वाले हैं या पनिश करने वाले हैं। तो ये स्केप्टर क्राउन सबसे ऊपर है, मर्सी राजा की पावर से, उसके क्राउन से, उसके स्केप्टर से सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मर्सी है, दया है। तो दया है। अब हम थर्ड स्केप्टर में तो सिर्फ क्या है, डर है, भय है, आतंक का जो डर होता है, और उसमें कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर कौन है, मर्सी है, उससे ज्यादा वैल्यूएबल तो दया है। Wherein doth sit the dread and fear of king, but mercy is of this spectre's way. Spectre's way means robe को घुमाना, शासन करना। जो स्पेक्टर है वो राजा के डर को शो करती है, ठीक है, उससे हमें भय लगता है, डर लगता है, और मर्सी जब इन सब से ऊपर कौन है, मर्सी है। इट एनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, ये तो राजा के दिल में भी पाई जाती है, ये तो राजा के दिल में भी होती है दया, ठीक है। जो स्पेक्टर है, क्राउन है, ये सब तो राजा के जो शो करती है कि राजा उसके पास पावर होती है, सोशल पावर्स होती है, ये तो सोशल पावर के साइन होते हैं, जैसे इस सबसे तो ये शो होता है कि वो राजा है, उसके पास सोशल पावर्स हैं। बट जो मर्सी है, उससे हमें राजा के दिल के बारे में पता चलता है, उसके इनर जो
मर्सी है उसके बारे में पता चलता है कि राजा अंदर से कैसा है, राजा का जो हार्ट है वो कैसा है। इट्स एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये एट्रीब्यूट्स होता है गुण, ये तो गॉड का भी गुण है हिमसेल्फ, ठीक है। दया तो गॉड भी दिखाते हैं, परमात्मा भी दिखाते हैं, ये तो खुद एक गॉड का गुण है, एट्रीब्यूट है। एंड अर्थली पावर डोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, एंड अर्थली पावर्स डोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। मीन्स अर्थली पावर यहाँ पे किंग है, राजा के पास ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, मर्सी भी और जस्टिस भी, गॉड के जैसे, शोज लाइकेस्ट गॉड, जैसे गॉड क्या करते हैं, दया भी दिखाते हैं और न्याय भी करते हैं। तो क्या है, मर्सी के साथ राजा में भी, गॉड के जैसे राजा में भी ये गुण मिलेंगे, वो मर्सी भी होगा और जस्टिस भी होगा। एंड आई होप आप सभी को ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। एंड जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो वॉच इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू ऑल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।